नमस्कार दोस्तों, हेल्दी टाइम विद डॉक्टर विक्रम का ये न्यू और फ्रेश एपिसोड है और आज हम बात करेंगे जो आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है उनके बारे में। हमारी पूरी रीढ़ में 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज होती हैं, उसके बाद 12 थोरोसिक वर्टिब्रा होती हैं, उसके बाद 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं और लास्ट में सैक्रम और कॉकेक्स। तो रीढ़ हमारे शरीर को सपोर्ट करती है और रीढ़ हमारे नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। आजकल रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, सर्वाइकल, लंबर और थोरोसिक रीजन की जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, वर्टिब्रल डिजनरेशन की प्रॉब्लम होती है, वर्टिब्रल हर्निएशन की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द, बैकएक की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? बैठने के कारण। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? आप लेट के जो टीवी देखते हैं उसके कारण। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? जो आप लगातार पढ़ते हैं या आप लगातार मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, लगातार काम करते रहते हैं और एक तरफ अपना गर्दन झुका के रखते हैं, जिसके कारण आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। बैठने के कारण लंबे समय तक आपको लंबर की प्रॉब्लम हो सकती है और थोरोसिक की प्रॉब्लम मोस्टली उनको होती है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो, मतलब उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो चुकी हो। दोस्तों साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी में कभी कभी स्प्यूर भी हो जाता है, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है, आसपास के नसों को ये दबा देती है जिसके कारण हमें सुन्नपन और बहुत ज़्यादा न्यूरेल्जिया दर्द होता है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से चलता है और उसके बाद हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो नर्वस सिस्टम पूरा हमारा रीढ़ की हड्डी से होते हुए ही जाता है और हमारी रीढ़ उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे सपोर्ट करती है। अगर रीढ़ में प्रॉब्लम होती है तो हमारे नर्व में भी प्रॉब्लम होती है, आसपास के नसों में भी दर्द होता है और वो जो नस है वो पूरे शरीर में जाती है। अगर आपको स्लिप डिस्क है और लंबर एरिया में L4-L5 में स्लिप डिस्क है तो वो जो नस दबेगी वो पैर तक जाएगी और आपको पैर तक दर्द महसूस होगा, सुन्न हो जाएगा। दोस्तों मैं आज आपको अलग अलग बीमारियों की मेडिसिन नहीं बताऊंगा। अगर आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या आपको डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम है या डिस्क डिजनरेशन की प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको दर्द महसूस हो रहा है, सुन्नपन है, नमनेस है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन होता है किसी भी तरफ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपको और ऐसा लगता है जैसे चलक रहा हो, ऐसा लगता है जैसे फट रहा हो, ऐसा दर्द होता है। जब रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है तो दर्द अमूमन ऐसा ही होता है। आपको न्यूरेल्जिया हो रहा है, आपकी नस दब गई है, तो आपको अमूमन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए जिससे आपको आराम होगा ही होगा? तो आज मैं आपको ऐसी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसको यूज़ करने से आपको रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आराम होगा। पहली मेडिसिन है दोस्तों आर्निका। आर्निका करती क्या है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वहाँ पर सूजन है, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को आर्निका कम करती है। दूसरा, जो आपकी नस दबी हुई है और जो नसों में सेंसेशन सही से नहीं पहुंच रहा जिसके कारण दर्द बहुत ज़्यादा है और दर्द को वो ठीक करती है। दोस्तों अगर आप लेटते हैं और लेटते समय बहुत तेज़ दर्द आपको होता है तो आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन होता है आपको, बिल्कुल चिलकने जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे करंट चल रहा हो, तो आर्निका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ ये रीढ़ की हड्डी को ठीक भी करती है। तो आर्निका अगर आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देखिए। आर्निका 200, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में यूज़ करिए। जैसा दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। रीढ़ की हड्डी अगर बढ़ जाती है या बल्जिंग की प्रॉब्लम है या डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि नस दबती है और जिस एरिया में दबती है वहाँ पर नस डैमेज हो जाती है जिसके कारण दर्द पूरे नस में होता है और जिस एरिया में नस दबती है वहाँ पर सूजन आ जाती है। ये जो नस डैमेज हुई है
हाइपेरिकम उसको ठीक करती है, न्यूरेल्जिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन हो रहा है, जो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जब आप उठते हैं बैठते हैं तो बहुत तेज़ छिलकन होती है, हाइपेरिकम उसको ठीक करती है, साथ ही साथ ये बल्जिंग को भी ठीक करती है। तो हाइपेरिकम भी आप 200 पोटेंसी में यूज़ करिए। आपको हाइपेरिकम 200 दो बूंद सुबह लेना चाहिए, दो बूंद रात में लेना चाहिए। कैसे लें? हाइपेरिकम 200 मेरे हाथ में मान लीजिए और दो बूंद डायरेक्टली टंग में डालना है, एक बार सुबह पीना है, एक बार रात में पीना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों तीसरी जो मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन है और होम्योकेल नाम से आती है। होम्योकेल मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है डिस्क हर्निएशन के लिए, साथ ही साथ बल्जिंग के लिए, और डीजनरेशन है तो उसके लिए, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो अच्छी मेडिसिन है ही। इसलिए अगर आपको वर्टिब्रा की प्रॉब्लम हो तो आपको होम्योकेल टैबलेट SPL की ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसमें पहली मेडिसिन कैल्केरिया फ्लोर है जो कि डिस्क डीजनरेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, डिस्क हर्निएशन के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन साइलिशिया है जो कि नसों के दर्द के लिए अच्छी मेडिसिन है, डिस्क हर्निएशन के लिए अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस, और कैल्केरिया फॉस अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। और होम्योकेल टैबलेट आपको दो गोली सुबह चूसना है, दो गोली दोपहर में चूसना है, और दो गोली रात में चूसना है। तो चौथी मेडिसिन है एस्कुलस, और एस्कुलस मैंने इसलिए इसमें ऐड की है अगर आपको वर्टिब्रा की प्रॉब्लम है। लगभग मैंने ऐसा देखा है कि 40% HLA-B27 पॉजिटिव होता है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। बिना एस्कुलस के आप एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं कर सकते। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एस्कुलस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, और पहले आपको सर्वाइकल रीजन में दर्द होता है, फिर आपको थोरोसिक रीजन में कभी कभी दर्द होने लगता है, कभी कभी आपके कमर में दर्द होने लगता है, फिर ऊपर दर्द होने लगता है, तो ये जो दर्द चल रहा है उसके लिए भी एस्कुलस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एस्कुलस भी आप 200 पोटेंसी में यूज़ करिए। इसे आप दिन में एक बार लें, चाहे तो आप दोपहर में दो बूंद लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। लास्ट में एक और कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन है स्पॉन्डिन ड्रॉप, RL भार्गवा की ये ड्रॉप है। स्पॉन्डिन ड्रॉप हालांकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपके थोरोसिक में अगर दर्द है तो भी काम करेगा, अगर आपके लंबर रीजन में दर्द है तो भी काम करेगा। तो स्पॉन्डिन ड्रॉप आप कैसे यूज़ करें? स्पॉन्डिन ड्रॉप आप आधा कप गुनगुना पानी लें, उसमें 20 बूंद स्पॉन्डिन ड्रॉप डालें, उसको पी लें। एक बार सुबह ऐसा करें, दोपहर में करें, रात में करें। तो स्पॉन्डिन ड्रॉप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लें। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा मेडिसिन बता रहा हूँ, ये मेडिसिन लगाने के लिए है। तो कभी कभी दर्द बहुत तेज़ होता है, मेडिसिन पीने के बाद थोड़ा धीरे असर करती है, लेकिन अगर आप मेडिसिन लगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम लगता है। एक ऑयल है, हैब्रेको कंपनी का है, रूमाटोन ऑयल। तो रूमाटोन ऑयल आप लगाइए, और अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, अगर आपको थोरोसिक का दर्द है तो आप बीच में लगा सकते हैं, अगर आपको कमर का दर्द है तो आप लगा सकते हैं। इसे आप दिन में 3 बार लगाएं। तो दोस्तों वर्टिब्रा की प्रॉब्लम बहुत ही आम समस्या है, इस पर मैं आगे भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आपके लिए जानकारी जुटा के लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दे गया तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।